ये टमाटर का एक पौधा है और ये एक एफिड है जो टमाटर के पौधे को उसके पत्तों के रस को चूसकर धीरे धीरे मार रहा है। टमाटर हमलावर कीड़ों को भगाने के लिए भौतिक और रासायनिक प्रतिरक्षा दोनों त्वचाओं का उपयोग कर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। टमाटर उन यौगिकों को भी छोड़ रहा है जो आसपास के टमाटर के पौधों को अपना खुद का कीट विकर्षक मुक्त करने का संकेत देते हैं। पौधों पर लगातार हमला होता रहता है, उन्हें सूक्ष्म कवक बैक्टीरिया, छोटे शाकाहारी जैसे एफिड, कैटरपिलर और टिड्डे से लेकर कछुआ, कोयल और हाथी जैसे बड़े शाकाहारियों तक के खतरे का सामना करना पड़ता है। सभी शिकारी पौधों के पत्तों, तनों, फलों और बीजों से प्रचुर पोषक तत्वों और पानी पीने के लिए पौधों को खाने की ताक में रहते हैं, लेकिन पौधे अपने आप को कम आकर्षक भोजन या यहाँ तक कि घातक बनाने के लिए आंतरिक और बाहरी प्रतिरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। ये प्रतिरक्षा उनकी सतह से शुरू होती है। पेड़ों के तनों को ढकने वाली छाल में लिग्निन भरा होता है और एक ऐसा यौगिक जैसे चबाना कठिन होता है और जिसमें रोगाणुओं का प्रवेश अत्यंत कठिन हो जाता है। पत्तों की सुरक्षा मोमदार उपत्वचा करती है जिससे कीट और सूक्ष्म जीव दूर भागते हैं। कुछ पौधे दर्दनाक संरचनाओं से युक्त होते हैं ताकि भावी शिकारियों को चेतावनी दी जा सके। कांटे, शूल और नुकीली संरचनाएं बड़े शाकाहारियों को भयभीत करती हैं। छोटे कीटों का सामना करने के लिए कुछ पौधों के पत्तों में नुकीले बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें ट्राइकोम कहा जाता है। राजमे के पौधे में खटमलों और अन्य कीटों के पैरों को जख्मी करने के लिए महीन हुक होते हैं। कुछ प्रजातियों में ट्राइकोम भी रासायनिक क्षोभक मुक्त करते हैं। डंक मारने वाले बिच्छू हिस्टमीन और अन्य विषाक्त पदार्थों का मिश्रण छोड़ते हैं जो छूने पर दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। अन्य वनस्पति प्रजातियों में शाक भक्षी की पहली बाइट में उसे दर्द होता है। पालक, कीवी फल, अनानास, फ्यूशिया और रुबर्ब सभी सूक्ष्म सुई की आकृति के क्रिस्टल पैदा करते हैं जिन्हें रिफाइडेड कहा जाता है। वो जानवरों के मुंह के अंदर छोटे छोटे जख्म पैदा कर देते हैं जो विषाक्त पदार्थों के लिए प्रवेश बिंदु बनाते हैं। छुई मुई के पौधे में शाक भक्षियों को खाने से रोकने के लिए एक रणनीति होती है। विशेष मैक्नोरिसेप्टर कोशिकाएं स्पर्श की पहचान करती हैं और पत्ते के माध्यम से उसके आधार को एक विद्युतीय संकेत भेजते हैं जिससे वहां स्थित कोशिकाएं चार्ज युक्त कण छोड़ती हैं। चार्ज का निर्माण कोशिकाओं से पानी खींचता है और वो सुकड़ जाते हैं और पत्ते को बंद कर देते हैं। बंद होने की क्रिया कीटों को डराती है और सिकुड़े हुए पत्ते बड़े जानवरों को कम आकर्षक लगते हैं। यदि इन बाहरी प्रतिरक्षा का उल्लंघन होता है तो पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। पौधों में जानवरों जैसी अलग प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं होती। इसके बजाय हर कोशिका में आक्रामकों को पहचान कर उनसे रक्षा करने की क्षमता होती है। विशिष्ट रिसेप्टर उन अणुओं को पहचान सकते हैं जो खतरनाक सूक्ष्म जीवों या कीटों की मौजूदगी का संकेत देते हैं। जवाब में प्रतिरक्षा प्रणाली अनेक प्रतिरक्षी क्रियाएं शुरू करती है। अधिक रोगाणुओं को अंदर घुसने से रोकने के लिए मोमदार उपत्वचा मोटी हो जाती है और कोशिक भित्ति मजबूत हो जाती है। रक्षक कोशिकाएं पत्तों के छिद्रों को सील कर देती हैं और यदि सूक्ष्म जीवी पौधे के एक भाग को खा रहे होते हैं तो ये कोशिकाएं संक्रमण को सीमित करने के लिए आत्मविनाश कर सकती हैं। सूक्ष्म जीवियों और कीटों के लिए विषैले यौगिक भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें अक्सर एक विशिष्ट खतरे के लिए तैयार किया जाता है। कई वनस्पति अणु जिन्हें मानव ने औषधि, दवा और मसालों के रूप में अपनाया है, वो पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग के रूप में विकसित हुए थे क्योंकि वो सूक्ष्म जीवी रोधक या कीटनाशक हैं। पौधे का हमले के तहत क्षेत्र हार्मोनों, हवाई यौगिकों या यहाँ तक कि विद्युतीय संकेतों का उपयोग करके अन्य क्षेत्रों को सतर्क कर सकता है। जब पौधे के अन्य भागों को इन संकेतों का पता चलता है तो वो रक्षात्मक यौगिकों का उत्पादन बढ़ा देते हैं और टमाटर जैसी कुछ प्रजातियों के लिए ये आरंभिक चेतावनी प्रणाली उनके पड़ोसियों को भी सतर्क करती है। कुछ पौधे अपने भावी हमलावरों के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा के लिए मित्रों को भी भर्ती करते हैं। कैटरपिलर से ग्रस्त रुई के पौधे हवा में 10 से 12 रसायनों का एक विशिष्ट कॉकटेल छोड़ते हैं। ये मिश्रण परजीवी तितलियों को आकर्षित करता है जो
कैटरपिलर के अंदर अंडे देते हैं। पौधे हमले के स्थान से भागने में सक्षम नहीं हो सकते, ना ही शिकारियों से दांतों और पंजों से लड़ सकते हैं, लेकिन तगड़े कवच, रासायनिक हथियारों के स्टॉक, पड़ोसियों की निगरानी और प्रजातियों के बीच गठबंधनों के साथ पौधों को खाना हमेशा आसान नहीं होता। सीखते रहना चाहते हैं? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।